रेडी हूँ बिल्कुल राइड के लिए। और ये मेरी इंटरनेशनल राइड है और ये सेकंड इंटरनेशनल राइड है। 2018 में भी मैं नेपाल जा चुका हूँ और अब फिर सेकंड टाइम मैं नेपाल जा रहा हूँ। पोखरा, लास्ट टाइम मैं पोखरा गया था और अब हम जा रहे हैं पोखरा से भी आगे लोअर मस्टांग, और वहाँ पे है मुक्तिनाथ टेम्पल। और पोखरा से जो मुक्तिनाथ का रास्ता, वो बड़ा ही मतलब कि बेकार रास्ता है और ख़तरनाक रास्ता है, क्योंकि बारिश होने के बाद तो इतना लश कीचड़ हो जाता है और बहुत बुरा हाल हो जाता है। बस वो ये रास्ता थोड़ा है, बाकी तो सारा रास्ता बढ़िया है। आज मेरा स्टे है लखनऊ में, तो टोटल हम तीन राइडर जा रहे हैं और दो राइडर अमर भाई और उनका एक और फ्रेंड है, वह लखनऊ से मेरे को ज्वाइन करेंगे। तो अब मैं सीधा जा रहा हूँ लखनऊ की तरफ, तो रेडी हूँ बिल्कुल। मैं दिखा देता हूँ अपनी बाइक, बिल्कुल रेडी है हमारी बाइक, ये देखिए। और ये मेरे नए पैनियर्स रेडी हैं, टॉप बॉक्स रेडी है, तो चले निकलते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। जय भोलेनाथ। गाइस, हम पहुंच चुके हैं एम्स के चौराहे पे और हमारी इंटरनेशनल राइड शुरू हो चुकी है। और ये मेरी सेकंड इंटरनेशनल राइड है और इस बार ख़ास क्या है कि इस बार मेरे बाइक पे पैनियर्स लगे हुए हैं और यार बड़े ध्यान से चलाना पड़ रहा है यार। आपके बाइक से पैनियर टकरा सकते हैं कोई भी, मतलब कि किसी भी व्हीकल से या कहीं से भी किसी के साथ। यमुना एक्सप्रेस वे, तो हम यमुना एक्सप्रेस पे आ गए हैं और अब आगे जाके टोल काटना पड़ेगा हमें आगरा के लिए। और रोड तो आपको पता ही है, जिसने भी यमुना एक्सप्रेस वे पे सफ़र किया है तो बहुत ही मक्खन मलाई रोड है और फोर लेन, एक साइड फोर लेन हाईवे है। तो भाई साहब, अभी हम जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पे आए हैं तो ये देखिए रेन शुरू हो गई है यहाँ पे, और ये रेन हमें इंडिकेशन दे रही है कि भाई ये आपकी राइड बड़ी एक्सट्रीम होने वाली है, क्योंकि नेपाल में भी मैंने वेदर फोरकास्ट देखा है कि वहाँ भी लगभग 3-4 दिन कंटिन्यू रेन थंडर शावर होने की पूरी संभावना है। 80% 60% चांसेस है। अगर वहाँ रेन होगी तो वहाँ तो यार तूफान मच जाएगा, क्योंकि वहाँ की रोड बिल्कुल कच्ची है, मिट्टी वाली रोड है और वो बिल्कुल बिल्कुल दलदल ही बन जाती है जो रोड है। और वहाँ से आप बाइक चलाना तो सोच लो आप क्या हाल होने वाला हमारा। और ये जो हमारी इंटरनेशनल नेपाल राइड है बहुत ही एक्सट्रीम होने वाली है, और आप बने रहना मेरे साथ आखिर तक। तो टोल पे पहुंच गए हैं, फर्स्ट टोल जेवर का टोल आई थिंक, और यहाँ पे हमारी बाइक का टोल लगेगा आगरा का 205 रुपये। पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो गाइस, हम अपनी बाइक में अभी नाइट्रोजन डलवा रहे हैं दोनों टायरों में, और 50 रुपये चार्जेज हैं इनके, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर बहुत ही गर्मी मिलने वाली है दोपहर के समय, तो बहुत ही बुरा हाल होगा। इस वजह से मैं थोड़ा नाइट्रोजन डलवा रहा हूँ इसमें, और अच्छी भी होती है, कहते हैं कि नाइट्रोजन टायरों के लिए और स्पेशली गर्मी में तो बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो गाइस, सीधा सादा बांध और सब ये सामने जो एक्सप्रेस वे देख रहे हैं वो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, ये लिखा हुआ है, राइट को जाना है हमने। और सीधा हम जाएंगे आगरा ग्वालियर को। लास्ट ईयर मैं गया था उड़ीसा तो इसी रूट से गया था, और मैंने फर्स्ट डे सागर में स्टे किया था, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा आपको। अगर उड़ीसा की सीरीज देखनी है तो बहुत ही अमेजिंग उड़ीसा है यार। मैंने 12 दिन में उड़ीसा पूरा कवर किया था और ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑफ उड़ीसा कवर किया था, और बहुत ही अच्छी सीरीज़ है यार, आप ज़रूर देखना ये उड़ीसा मेरी सीरीज़। ऊपर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा आपको। तो ये लेफ्ट हैंड पे अभी हमने जाना है लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, और ये लगभग 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और यहाँ पर हमें टोल भी पे करना पड़ेगा अपनी बाइक के लिए, और लगभग 275-280 समथिंग इसका टोल है मेरे हिसाब से। अभी देखते हैं कितना टोल लगता है। और ये देखिए ब्यूटीफुल एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे, और इसकी स्पेशलिटी है कि
इस पे एमरजेंसी में जेट, अपना इंडिया का जेट भी उतार सकते हैं, फाइटर प्लेन जेट। बीच में एक पूरा बना रखा है ट्रैक जेट के लिए, उड़ा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। वो भी एक पैच है, वो मैं दिखाऊंगा अगर दिखाई दिया तो। तो अभी GoPro 10 मेरा हैंग हो गया था, तो 2 मिनट रुक के मैंने इसको अभी चालू किया है। और ये सामने आ गया है टोल, हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल। तो यहाँ पे देखते हैं कितना टोल लगेगा हमें। ओवर साइज कितना है? लखनऊ ठीक 325 रुपये कटेंगे। अब चलते हैं फिर। तो गाइस यहाँ से 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा लखनऊ तक का, और जो हमने टोल दिया है वो है 325 रुपये, और कार्ड से पेमेंट करी है लेकिन साले ने 10 मिनट लगा दिए। उसकी मशीन ही ऐसी थी, चल ही नहीं रही थी, भीड़ लग गई उसके बाद। चलते हैं अब नॉन स्टॉप। बीच में हमें फ्यूल डलवाना पड़ेगा अपनी बाइक में, 1 पॉइंट कम हो चुका है लेकिन बीच में डलवाना पड़ेगा हमें कहीं। चलो आगे से मोड़ लो। तो ये है मनोज भाई जिनके बारे में मैंने बात करी थी आपसे, मनोज चौहान जी, जो लखनऊ में रहते हैं और राइडिंग का इनको बहुत शौक है। और ये अपनी 100cc बाइक पे ही बहुत जगह मतलब एक्सप्लोर कर चुके हैं। लास्ट ईयर केदारनाथ गए थे बाइक पे ही, और भी 2-3 जगह गए थे अपनी इसी बाइक पे, और अभी जा रहे हैं लद्दाख अपनी 100cc बाइक पे। सबसे ज़्यादा हिम्मत चाहिए बाइक चलाने में, चाहे 100cc हो चाहे कोई भी बाइक हो। ये लखनऊ की कॉलोनी गलियां ये आप देख रहे हैं, और यहाँ भी बैटरी रिक्शा का बहुत ही बोलबाला है। तो ये मनोज भाई के घर पे जा रहे हैं हम, काफ़ी घुमा घुमा के लायक आए हैं। समय 6:15 हो गए हैं और मैं यहाँ पे लगभग 1:45 पे आ गया था, और आके खाना खुना खा के और 1-2 घंटा मैं सो भी लिया, और मौसम भी अब ठीक हो गया। सुबह उस टाइम तो बड़ी गर्मी थी। तो अब हम निकले हैं लखनऊ को एक्सप्लोर करने, तो अभी घूमते हैं लखनऊ। ये है लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा। ये मनोज भाई हैं, ये भी काफ़ी बाइकिंग का कीड़ा है इनके अंदर। अभी ये जा रहे हैं लद्दाख, हमारी बेस्ट विशेस है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं लद्दाख, वो भी 100cc बाइक पे। तो ये सामने मैं दिखा दूं आपको, मेरे पीछे ये है छोटा इमामबाड़ा जो आप देख रहे हैं। मैंने अभी इसको देखा है, फोटोग्राफी की है, और ये सामने जो गेट है इसके पीछे है फिर बड़ा इमामबाड़ा, और ये पीछे क्लॉक टावर है, और ये क्या बताया था? सतखंड। हाँ, और ये मेरे पीछे है सतखंड, आप उसे एक टावर देख रहे हैं, ये सतखंड है। जब चांद निकलता है तो ईद का चांद देखते हैं ना, ईद का चांद यहाँ से खड़े होके देखते हैं इसके ऊपर। तो आगे चलते हैं रूनी दरवाजे पे, और ये सामने है क्लॉक टावर, और ये सामने मैंने अभी बताया इसको जिसपे देख के चांद, इस टावर पे सब लोग जाते हैं और फिर चांद के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये मेरे सामने, पिक्चर गैलरी
पूरा टूरिस्ट प्लेस है ये, बढ़िया। ये देखिए क्लॉक टावर, पीछे है शीश महल, सामने आप देख पा रहे होंगे शीश महल, और ये है म्यूजिकल फाउंटेन। यहाँ पे लगभग 7 बजे शुरू होता है ये म्यूजिकल फाउंटेन, और ये मेरे पीछे है क्लॉक टावर, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और आगे की तरफ था बड़ा इमामबाड़ा, और मेरे पीछे है छोटा इमामबाड़ा। तो ये पूरा मतलब कि टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही शानदार, और शाम को तो काफ़ी चहल पहल रहती है यहाँ पे। कोई भी लखनऊ आता है तो इस जगह को एक्सप्लोर ज़रूर करता है, तो आप भी ज़रूर आना। 360 व्यू एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, पीछे है म्यूजिकल फाउंटेन, ये अपना क्लॉक टावर्स, और ये पीछे मार्केट्स, और मेरे पीछे है छोटा इमाम बाड़ा का जो गेट है, और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है रूनी दरवाज़ा, और इसके अंदर से होके जाना पड़ेगा रूनी दरवाजे से, और वहाँ पहुँच जाएंगे बड़ा इमाम बाड़ा। तो अभी तक आपने देखा छोटा इमाम बाड़ा, तो अब देखने जा रहे हैं हम बड़ा इमाम बाड़ा। बहुत भीड़ है यार यहाँ तो, रूमी गेट है ये। तो गाइस अभी मैं हूँ रूमी गेट पे, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है रूमी गेट, और इसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि जब ये खुला होता था तो लोग इसके ऊपर जाते थे, और कई लोगों ने यहाँ से सुसाइड भी किया हुआ है। तो ये रूमी गेट है, इससे अंदर से हम जाएंगे तो बड़ा इमाम बाड़ा आ जाएगा, और मेरे राइट हैंड पे है जामा मस्जिद, और ये कौन सी बताया टीले वाली मस्जिद है मेरे पीछे, और 360 व्यू मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस है यार, यहाँ बहुत ही भीड़ होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, रात के समय तो बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि 2018 में जब आया था तो मैं रात के समय आया था, तो पूरा चमका हुआ था लाइटिंग से। ये रूमी दरवाज़ा बहुत ही शानदार है यार। तो यार अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और मेरे साथ बने रहना, मैं जा रहा हूँ लोअर मस्टांग। अच्छी जगह आपको सर्च कर लिया। हाँ जी, इतनी दुनिया तेज है, बच्चों बैठे बैठे आपको सर्च कर लिया, सर्च कर लिया आपकी साइड में। हाँ जी, अरे इनका वीडियो यूट्यूब है इनका, इतने तेज बच्चे हैं। हमको खाली बता रहे कि देखो दिल्ली से है, ये देखिए सब्सक्राइब करो। अच्छा हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाय बच्चों। तो ये रूमी गेट है जिसके अंदर से हम निकल रहे हैं, और ये है इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। मेरे राइट हैंड पे है बड़ा इमाम बाड़ा, और ये है टीला मस्जिद इस तरफ, ये देखिए बड़ा इमाम बाड़ा, बहुत ही खूबसूरत है यार ये भी, दोनों तरफ ही है ये। ये है टीले वाली मस्जिद मेरे पीछे की तरफ। तो अभी हम कोई मार्केट जा रहे हैं, मार्केट घूमने, और आंधी तूफान शुरू हो चुका है। तो सुबह के लिए मैंने पेट्रोल फ्यूल पूरा टैंक फुल करा लिया है, 1100 रुपये का अभी पेट्रोल आया है, यहाँ पे 105 रुपये कुछ पैसे है। अमीनाबाद जा रहे हैं अभी टुंडे कबाब खाने। तो गाइस अब भी हम हैं अमीनाबाद की सबसे फेमस जो टुंडे कबाब की शॉप पे हैं, और हमने ऑर्डर दिया है टुंडे कबाब और परांठा। तो जस्ट लखनऊ में आए और टुंडे कबाब ना खाएं तो मज़ा नहीं है। काफ़ी फेमस शॉप है ये, और इसकी काफ़ी फ्रेंचाइज है। क्या नाम है इस शॉप का? टुंडे कबाबी। तो ये शॉप का नाम है टुंडे कबाबी, अमीनाबाद में है। तो अभी आएगा फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे मटन टुंडे कबाब आ गए हैं साथ में पराठा, तो ये अब हम खाते हैं यहाँ के फेमस टुंडे कबाब, और फिर निकलते हैं अपने घर को। तो गाइस ये है हजरतगंज की मार्केट, और बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, यहाँ का माल रोड कहा जाता है लखनऊ का। PVR भी है और मार्केट भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। बढ़िया है, CP की तरह है वहाँ पे।
चले घर चले या रिवर फ्रंट? नहीं घर चलते हैं। घर चलते हैं।